हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुने। दोस्तों, आपने स्पीकिंग स्किल के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपने लिसनिंग स्किल के बारे में बहुत ही कम सुना होगा या फिर सुना ही नहीं होगा। दोस्तों, आज हम लिसनिंग स्किल की बात करेंगे कि सुनने की कला कैसे विकसित की जाए, आखिर हमारा सुनना किस तरह से इफ़ेक्टिव हो, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप किसी को सुन रहे होते हैं तब आप उसे केवल मन मस्तिष्क से ही न सुने बल्कि अपने समूचे शरीर से सुने। जी हाँ दोस्तों, आप अपने समूचे शरीर से उस व्यक्ति को सुने, उसे सुनते हुए अपने आंतरिक शरीर के ऊर्जा क्षेत्र को महसूस करते रहें। ऐसा करना आपके अवधान को विचार करने से दूर ले जाता है और एक नीरव, एक निश्चल, एक शांत रिक्त स्थान बना देता है, जो यह संभव कर देता है कि आप मन द्वारा हस्तक्षेप किए जाए बिना वास्तव में सुन पाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारा मन बार बार बीच में बात करते समय, बात सुनते समय हमारा मन जो है बीच में हस्तक्षेप करता है। तो दोस्तों, ये टेक्निक आप लगाएंगे तो आपका मन जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तब आप उस व्यक्ति के लिए एक रिक्त स्थान बना रहे होते हैं, उनके होने के लिए रिक्त स्थान। यह आपके द्वारा उसे दिया जा सकने वाला सबसे मूल्यवान उपहार होगा। दोस्तों, अधिकांश लोग यह जानते ही नहीं कि सुना कैसा जाए, क्योंकि उनके अवधान के अधिकतर हिस्से को तो विचारों द्वारा हथियार लिया जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, इस बात पर ध्यान देने के बजाय उनका ध्यान अपने ही विचार पर रहा करता है और उस चीज़ पर तो बिल्कुल भी नहीं रहता जिसका वास्तव में महत्व है। दोस्तों, अधिकांश संबंधों में लोग एक दूसरे के साथ केवल मानसिक संवाद ही कर रहे होते हैं, परस्पर संप्रेषण नहीं कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके मन में विचार चलते रहते हैं, ये ऐसा लग रहा है कि वो किसी को सुन रहे हैं लेकिन उनका मन जो है वो बीच में बोलता रहता है। तो दोस्तों, ये परस्पर संप्रेषण नहीं होता, आध्यात्मिक समागम इसे हम नहीं कह सकते। इस ढंग से कोई भी संबंध दोस्तों पनप नहीं सकता और यही कारण है कि चारों ओर संबंधों में इतना अधिक द्वंद्व रहता है, इतना टकराव रहता है। दोस्तों, जब आपका मन आपके जीवन को चला रहा हो तब द्वंद्व, टकराव, कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़ा, ये सब होना तो लाजमी है। अपने आंतरिक शरीर के संपर्क में रहने से एक ऐसा मन रहित स्वच्छ रिक्त स्थान बन जाता है जिसमें संबंध खिल सकता है, फल फूल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।